In this module, we are going to discuss that it is, it is important to add, include or add or incorporate various types of notes in the notes to the financial statements. So, we discuss discussed what is the financial health, there financial statements karte hain. the first one is the balance sheet, the second is the income statement. एंड द थर्ड वन इज़ द कैश फ्लो स्टेटमेंट ये तीनों अपनी अपनी जगह पर अहम रोल प्ले करते हैं बिकॉज इन तीनों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो कॉम्पोनेंट्स आप अकाउंट फॉर करते हैं जो वेरिएबल्स आप अकाउंट फॉर करते हैं जो वैल्यूज़ आप कंसिडर करते हैं वो मुख्तलिफ नौीय की हैं लिहाजा किसी भी फर्म को या कंपनी की फाइनेंशल पोजिशन को उसकी प्रोफिटबलिटी को उसकी ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर तौर पे समझने के लिए ये तीनों स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना कंसिडर करना उनको वजाहत से देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है किसी भी फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए या इन्वेस्टर के लिए या आपकी खुद की कंपनियां या आप कंपनी में काम करते हैं आपके लिए ये तीनों चीज़ें एक अहम रोल प्ले करती हैं नाउ देर इज़ ए नदर एस्पेक्ट वो क्या है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं या जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कुछ नोट्स भी मरतब किए जाते हैं क्योंकि तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टेबल के, के अंदर तो शुमार नहीं किए जाते या इनका इंक्लूड नहीं किए जाते बल्कि रादर वो उसके साथ उसकी उन पोजिशन को उन वैल्यूज़ को या उस पर्टिकुलर कंपनी की डिफरेंट एस्पेक्ट्स को मज़ीद वाजे करते हैं सबसे अहम बात जो हमें समझनी है दैट इज़ कि हम अकाउंटिंग के लिए जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ख़ास तौर पर तो हम वहाँ अक्रूवल अकाउंटिंग मैथड इस्तेमाल करते हैं अक्रूवल अकाउंटिंग मैथड का मतलब है कि कोई भी जब आपको पेमेंट करनी है लाजिम है आप उसको शो करते हैं मगर एक्चुअल पेमेंट का हो जाना इसके लिए ज़रूरी नहीं है का मतलब है कि आपने कोई लोगों को पेमेंट्स करने हैं या आपने कुछ लोगों को सामान अपनी कंपनी से बेचा और आपने अपने इनकम स्टेटमेंट में लिखा कि हमने इतने लाख रुपए का सामान तैयार किया और वो हमने बेच दिया जिसकी वैल्यू ये है तो अगर फॉर एग्जांपल वो दस करोड़ की अमाउंट का सामान है आप उस दस करोड़ को देखेंगे आप बताएंगे कि ये मेरा रेवेन्यू है अब वो रेवेन्यू आपकी जेब में पहुंचा आपके अकाउंट में डला या नहीं इनकम स्टेटमेंट का इससे कुछ लेना देना नहीं और जो ये असूल है जिसमें आपको सिर्फ एंट्री को डालना है वेदर और नॉट आपको कैश इनफ्लो हुई है कि नहीं उसके अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर मैथड और एंट्री इज़ डन फॉलोइंग द्रूवल अकाउंटिंग मैथड सो एकूवल अकाउंटिंग मैथड को समझना ज़रूरी है कि आपके पास पैसे नहीं आए लेकिन आप शो कर रहे हैं कि हमारे पास ये पैसे हैं इनकम स्टेटमेंट के फॉर्म में क्योंकि आपको अक्रूवल अकाउंटिंग मैथड इस बात की इजाज़त दे रहा है राइट right? सो चूँकि्रूवल अकाउंटिंग मैथड इस बात की इजाज़त देता है इसलिए हम फिर कैश दो स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि हम हमें कम्प्लीट या कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर का अंदाज़ा हो जाए सो so, अक्रूवल का मतलब है कि आपने कोई भी इंडिविजुअल एंट्री रिकॉर्ड की है रेवेन्यू की है एक्सपेंस की बेशक आपको उसके ऊपर कैश मिली है या नहीं मिली फाइन सो दिस इज वॉट इज मेन्ट बाय द वर्ड एक्रूवल अब जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं उसके साथ जो नोट्स बनाए हैं तो उसमें ये चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि अप्रूवल अकाउंटिंग मेथड के थ्रू इनकम स्टेटमेंट बनाया है तो हमें पता होना चाहिए कि वो दिखा रही है इतना पैसा किसी भी कंपनी ने जनरेट किया है मगर साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएगी कि उनमें से कितने पैसे एक्चुअली आपके पास आए हैं कितने पैसे एक्चुअली आपके पास चले गए आपके पास इस वक्त कैश फ्लो स्टेटमेंट या फाइनेंशियल पोजिशन आपकी क्या है वाइन सो so, इस को मजीद वाज करने के लिए काफ़ी सारे तरह की इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ जिसको हम बोलते हैं नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाले जाते हैं या अहम बातें लिखी जाती हैं उनमें बताया जाता है कि आपने मसलन फ़ॉर एग्जांपल कौन सी अकाउंटिंग मैथड इस्तेमाल की है आपने लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की मैथड इस्तेमाल की थी जिसको हम लीफो या फीफो बोलते हैं सो ये मैंशन होगा उसके नोट्स में कि जो भी आपने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं इनके अंदर कौन सी मेथड इस्तेमाल की गई थी सिमिलरली दे आर गोइंग टू टेल यू इन द नोट्स कि कौन सी स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इस्तेमाल किया गया बिकॉज वी हैव गॉट सेवरल स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट आर फॉलोड एंड देट वेरी फ्राम सेक्टर टू सेक्टर दैट वेरी फ्राम कंट्री टू कंट्री सो मुख्तलफ़ रीजनस में मुख्तफ मुल्कों में Uh, जैसे पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल आईएफआरएस इस्तेमाल होता है लेकिन जब आप इस्लामिक बैंकिंग की अकाउंटिंग की बुक्स को देखेंगे तो वहाँ स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हैं क्योंकि आईएफआरएस एफ कन्वेंशनल बिज़नेस को सिर्फ डील करता है शरिया कंप्लाइंट को नहीं डील करता तो जब हम नोट्स देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ जो बनाते हैं वो उनको मजीद वाजे करते हैं इस किस्म की टेक्निकल डिटेल्स के लिए सिमिलरली आपने जब आपने नोट्स बनाए हैं या नोट्स देखेंगे या आपने ख़ुद बनाने हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो एसेट्स हैं या लायबिलिटीज़ हैं उनके एक्सपायर डेट क्या हैं उनको किस दिन ख़रीदा गया था उनके फॉर एग्जांपल लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म डेट्स हैं या आपने कोई लीज़ वग़ैरह लिया हुआ है या कंपनी ने लीज़ दिया है तो वो एक्सपायर कब होने वाला है उसके क्या सिचुएशन है उसके वक़्त जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डेट्स हैं हमने छोटे कलील मुद्दत या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो डेट लिया हुआ है उसकी एक्सपायर डेट क्या है या उसकी मचॉरिटी का डेट क्या है या उसका रीपेमेंट का शेड्यूल क्या है वो उस किस्म के तमाम इन्फॉर्मेशन आपको नोट्स में डाल डाल के आपको वा, वाज किया जाता है ताकि आपको उसकी किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को या फाइनेंशियल हेल्थ को समझने में आसानी हो इसी तरह से जो कंपनी का एक्विटी स्ट्रक्चर है उसके लिए भी आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा नोट्स के अंदर फॉर एग्जांपल ओनरशिप ऑफ शेयर्स का स्ट्रक्चर क्या है उसके कंडीशंस ओनरशिप ऑफ द शेयर्स के साथ में जो कंडीशंस लगाए गए हैं वो किस किस्म के थे समटाइम्स नोट्स में वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है इसी तरह से अगर कोई भी कंपनी पिछले साल में या पिछले कई सालों में या फ्यूचर में अगले छः महीने के बाद में मर्ज होने वाली है या कोई एक कंपनी एक्वायर हो गई थी किसी कंपनी से तो फाइनेंशियल नोट्स में आपको कोई भी एक किस्म के एक्विजिशंस का या डाइवेटिचर्स का भी अकाउंट फॉर किया जाता है उन वो नोट्स में आपको इस किस्म की इन्फॉमेसन भी मिल जा मिल जाती है जैसे आपने देखा होगा कि कई दफ़ा कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है या कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है तो ये वाली इंफॉर्मेशन भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स में uh, मिलेगी या अगर आप खुद नोट्स बनाने जा रहे हैं तो आपने इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना तैयार करने के वक्त सिमिलरली व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग द नोट्स और व्हेन वी आर लुकिंग एट द नोट्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक इनटू अकाउंट कि हमारे पास अगर कोई कंपनी ने कोई ऑप्शन में या कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में या कोई भी रिस्क मैनेजमेंट के लिए कोई ऑप्शंस वगैरह में पैसा इन्वेस्ट किया है या कोई भी इनफ्लो आउटफ्लो या कोई भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स की गए थे अपने रिस्क को मैनेज करने के वास्ते तो इस किस्म के ऑपरेशन फाइनेंशियल ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन भी नोट्स में इनकॉर्पोरेट uh, की जाती है इन ऑर्डर टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर एलैबरेटिव मोर एक्सप्लेनेबल एंड इन ऑर्डर टू पुट मोर डिटेल्स जो कि uh, क्योंकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कॉम्पोनेट्स को तो छेड़ नहीं सकते वो तो स्टैंडर्ड आपने फॉलो करना है लेकिन इस किस्म की जो भी इंफॉर्मेशन होगी जो इन्वेस्टर को या कोई भी इम्प्लोई uh, को या जो आपके कंसल्टेंट्स हैं या एनालिस्ट्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है उनके लिए ये तमाम तरह के नोट्स में इस तरह की इंफॉर्मेशन डाली जाती है ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से लोग अपने डिसीशन मेकिंग कर सकें